Wrestler-turned-mixed-martial-arts fighter Ritu Phogat says she's focused on putting in the hard yards to achieve her dream of becoming India's first MMA world champion. Ritu, who had won the 2016 Commonwealth Wrestling Championship gold and silver at the 2017 World Under-23 Championships, won her debut MMA fight beating South Korea's Nam Hee Kim in under 3 minutes. The 25-year-old from Haryana, daughter of the legendary wrestling coach Mahavir Singh Phogat, will next feature in her second MMA bout on February the 28th in Singapore. Speaking to nnis, Mahavir Phogat said both Ritu and Vinesh are of the same weight, but Ritu got beaten by Vinesh twice during fights, which disheartened her. She sought permission from him to move into MMA and make a name for herself. रेसलिंग थी उसके अंदर भी इसके बहुत बढ़िया कुछ लड़ती थी जो पहली है जो रितु पहलवान हिंदुस्तान की जिन्हें एक साल में 4 मेडल लिए थे जो जूनियर कैडिट में गोल्ड मेडल एशिया चैंपियनशिप में और जूनियर एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप कैडिट की और जूनियर की दोनों में जो इसने ब्रॉन्ज मेडल लिए थे एक साल में 4 मेडल लिए थे तो कुछ दिन बहुत बढ़िया चल रही थी लेकिन जो एमएम जो गेम तो देखा करती है तो कई बार इसने जो है कहा पापा मैं इस गेम में हो जाऊँ इस गेम में क्यों कुश्ती के अंदर विनेश इसके वजन में थी विनेश इसे अच्छी पड़ती थी तो एक दो बार ये विनेश फाइट में हार गई तो इसका मन टूट गया तो इसके बार बार ये हिट लगा रखा पापा मैं इस गेम में चला जाऊँ इस गेम में चली जाऊँ तो कुश्ती हुई जो रेसलिंग में जो फ्री स्टाइल है ग्रीको रोमन है बॉक्सिंग है गेम सिर्फ मिले जुले हैं सिर्फ इनमें मेहनत की ज़रूरत है और ताकत की ज़रूरत है चारों गेम एक से हैं तो मैंने पूरा विश्वास था जो कुश्ती का रेसलिंग इतना बढ़िया है वो जो फ्रीस्टाइल में ग्रीको रोमन में फिट अच्छा है और बॉक्सिंग में अच्छा रहेगा और एमएमए गेम में भी तो पूरी आस उम्मीद है मैंने इससे जो इसमें जो है ये गोल्ड मेडल देश का झंडा ऊंचा करेगी देखिए मेरे तो ये सोच थी भाई चलो इस गेम में जाएगी लेकिन मेरी सोच है जो दुनिया में एक नंबर होना अगर वो विश्वास है कर सकती है मेहनत इसमें करनी पड़ेगी तो इसने संगी गीता से भी और बबीता की हम सबकी सलाह थी तो गीता रे कहे पापा इस गेम में ठीक है ये तो हमने सबने जो सलाह करके और चलो तू ये गेम लड़ ले तू लेकिन इसने विश्वास दिलाया था जो ने हिंदुस्तान का जो नाम रोशन करूँ मैं और दुनिया में एक नंबर होकर दिखाऊँगी नहीं बस उससे जो एक दफा कुश्ती फाइट हार गई इसका मन टूट गया क्योंकि बहुत अच्छी थी तो इसका दिमाग जो है उससे भय बढ़ा रहा है तो यूं करके जो है इसका मन इसकी तरफ हो गया देखिए 2016 में जो रियो ओलंपिक था उस टाइम मेरे सपने पूरे हो जाते लेकिन जो है विनेश का चोट लगने के कारण वो जो है मेडल से बाहर हो गई ले अब की बार मैंने विनेश से पूरी आस उम्मीद है पहला सपना जो पूरा करने वाली है वो 2020 में जो है वर्ल्ड ओलंपिक गेम में जो है गोल्ड मेडल की मैंने पूरी आस उम्मीद है और मेरे को सारे देश को आस उम्मीद है इनसे जो मेरी बेटी जो है ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल लेगी